आई दोस्तों नमस्कार कुलम भाई, अडल्ट रेडी यूट्यूब चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग को बढ़िया सा शिमला मिर्च और सोर का मीट का सट कैसा सब्जी बनाते हैं उसको बढ़िया सा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, आप लोग बढ़िया सा देखता रहेगा। चलो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ बढ़िया सा। मैंने बहुत बढ़िया से क्या क्या काट लिया है, थोड़ा मिर्ची काटा है किया, उसके बाद प्याज काट लिया और इसके बाद थोड़ा अदरक काटा है किया और थोड़ा लहसुन काटा किया और एक साइड में क्या है केला का, ये क्या है जो अंदर में जो रहता है ना केला का पेड़, उसको बढ़िया से काट के रख दिया। ये देखो कितना बढ़िया से काट के मैंने रख दिया है। और ये जो पपीता देखे मैं इसको पपीता को नहीं दूंगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ही, हम लोग ज़्यादा आदमी नहीं खाने वाला है इसलिए क्या थोड़ा सा ही सोर का मीट को एक साइड में तो बढ़िया से धुलाई करके रख दिया। उसको क्या है वो है हम लोग ने बॉईल करके थोड़ा सूखा के रखा था, इसके बाद अभी बनाऊंगा मैं बढ़िया से। उसके बाद एक साइड में क्या है देखो ये शिमला मिर्च है, उसको बढ़िया सा काटा करके रख दिया और इसका अंदर में थोड़ा सा ये भी काटा किया, क्या बोल इसको ये वाला टोमेटो काटा करके रख दिया है। उसके बाद ये मैं अभी क्या ले लिया, ये देखो टोमेटो सॉस भी रख दिया है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मैं आप लोग को बढ़िया से दिखा के जाऊँगा। ये देखो हम लोग किया थोड़ा सा है और इसीलिए हम लोग क्या लिया थोड़ा सा छोटा सा ही ये ले लिया, केराई ले लिया। अभी हम लोग गैस चूल्हा में जला के बढ़िया से क्या करेगा इसको मैं फ्राई करके आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग बढ़िया से देखते रहेगा। देख लिया अभी चूल्हा जला दिया है, अभी इसको मैं क्या कराया केराई को अभी रख दिया है, देख लेगा आप लोग बढ़िया सा। अभी इसमें क्या करेगा थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगा मैं, ये देखिएगा ज़्यादा डालना नहीं ताकि ये स्वर का मिले ना, इतना ही डालना है ताकि इसमें क्या हो जाता है इसमें थोड़ा तेल निकलता है। बढ़िया सा आप लोग देखता रहेगा, ये देखो ये देखिएगा एक साइड में मैंने इसको क्या डाल दिया है प्याज है ना, ताकि बढ़िया सही हो जाए। इसमें क्या होना चाहिए थोड़ा ये होना चाहिए बढ़िया सा ये होना चाहिए, गला गला सब होना चाहिए। इसके बाद क्या देना चाहिए अभी मीट को देना चाहिए, देने क्या हो जाता है कि बढ़िया से फ्राई करना है इसको। खाली कुछ ना करें इसमें क्या यहाँ देना है केला का, इसको देना है देख के केला का जो पैर किया था ना तेरा खाते देखा क्या होता है इसको क्या करेगा कैसा लगा आप लोग बढ़िया से कमेंट करके बताइएगा। बड़े सफाई करने के बाद नमक देना सही है, बढ़िया से देखिएगा फिर नमक दे रहा है, आपकी मात्रा से देना ताकि आप कितना खाता है इतना देना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़िया से देखता रहेगा। इसके बाद हल्दी भी देना चाहिए, देखो कितना अच्छा है कि नहीं। इसके बाद ये देखिए मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर जितना भी है ना पाउडर का अभी दे देगा, क्या ये जीरा पाउडर है। उसके बाद ये क्या है गरम मसाला है, उसके बाद ये क्या है मीट मसाला है, उसको बढ़िया से देना है। जो टोमेटो सॉस है ना उसको भी दे देना है ताकि वो टेस्टी हो जाता है, आप लोग बढ़िया से देखेंगे। ये अभी टोमेटो सॉस भी देने वाला है, बढ़िया से देखिएगा देखिएगा टोमेटो सॉस दे दिया है देखिए।
अच्छी बेटा भी देगा क्योंकि खाना ये खाना ये अभी मेरे लेवल में मिर्च मसाला ठीक है। फूड आदमी बोलता है ये इसको क्या होने के बाद ही देना, लेकिन इसको अभी देने से क्या हो जाता है मिर्च का अंदर वो चला जाता है, बाद में देने में क्या हो जाता है थोड़ा टेस्टी कम हो जाता है। इसके बाद ये देना क्या है गरम मसाला है ना, इसको भी डाल देता हूँ है ना। ये देखता मिर्च का गरम मसाला डाल दिया, उसके बाद डालूँगा जीरा पाउडर है ना, देखो जीरा पाउडर भी डाल दिया मैंने है ना। बढ़िया से देखेगा अभी समय के बाद इसको क्या करना है, अब लोग बढ़िया से देखे। और इसको जीदार एक साइड में सीजल रखता है ना, इससे रख देना है। देखो कैसा सीजल लगाया हूँ मैं, कैसा लगा आप लोग बढ़िया से देखिएगा, कमेंट करके बताएगा बढ़िया सा है कि नहीं, देखता रहेगा। तो देख कैसा लगा आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ये देखिएगा कैसा लगा आप लोग बढ़िया से देखिएगा है कि नहीं। आप लोग कुछ बताइए कैसा लगा है कि नहीं। ये देखिएगा मैं क्या कर दिया, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। पानी डालने से क्या हो जाता है जो ऊपर ये इसमें क्या हो जाता है वो थोड़ा नरम हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है इसको, ये देखिए ढक्कन को बढ़िया से ढक के रखना है ताकि इससे क्या हो जाता है भाप अंदर ही रह जाए बाहर ना निकल पाए। उसको इसको जो आगे इसको बेसिकली हाय दोस्तों आप लोग बढ़िया से देखिएगा कैसा हो गया, मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा। लेकिन कैसा लगा आप लोग को देख लिया है कि नहीं, लोग हो ही गया है ना, हो गया यह शिमला मिर्ची के साथ क्या है बढ़िया से तो मैंने पका दिया है। आप लोग देखिएगा कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखो कैसा लगा है, इसमें क्या है थोड़ा केला का पेड़ भी है, ये देखिए वाह देखिएगा ये पक गया दोस्तों, अभी खाने का लायक हो गया है। अभी इसको बढ़िया से क्या करेगा मैं ढक्कन को लेके आ गया, बढ़िया से ढक दिया, ढकने के बाद इसको कर दिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज कितने में रखे थे। जय हिंद।